आप सभी मित्रों को प्रणाम नमस्कार। मैं श्री श्री कुंवर जी महाराज 1008 आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ और इसमें आप लोग सुनेंगे कि क्या है लिखा है। होत नया आज्ञा बिनु पैसा रे, ठीक है, ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। दूसरी ओर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आपका है वो आपको अर्पण है। फिर नहीं मांगती धन और दौलत ना चांदी और सोना, मां कुछ मांगती भी नहीं है। माँ तू पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, आप माता पिता भी हैं। अच्छा, जब सब कुछ आप हैं और कुछ मांगते भी नहीं हैं और बिना पैसा के कुछ हो भी नहीं रहा है, तो जब माता पिता हैं तो सब कुछ देखभाल वही करेंगे, कैसे करना है किस तरीके करना है ये उनकी हिडक है, ठीक है। तो सब सुख लाए तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप रक्षक हैं तो डरना किस बात की, फिर भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जब बचपन में हुआ करते हैं तो क्या ख्वाहिश होती है, बच्चे जो होते हैं उनकी अभिलाषा बहुत ज़्यादा होती है, तो या तो चीज़ों की होती है या बच्चों की अभिलाषा होती है बड़े होने की, जवान होने की। जवान की अभिलाषा क्या होती है, उनकी अभिलाषा होती है आवश्यकताओं की पूर्ति की। कभी कभी आवश्यकताएँ ज़्यादा हो जाती हैं और उसके बाद में जवान की यह अभिलाषा होती है कि बच्चे हो जाए। क्यों? क्योंकि काश कोई लौटा दे मेरे बचपन के वो दिन। अब बचपन के वो दिन कोई लौटा दे, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे को या किसी जवान को कोई बुढ़ापा मांग रहा हो। एक मेरे मित्र कहे कि भगवान को मैंने भी नहीं देखा बुढ़ापे में। आप मन से सदैव जवान बने रहे, ऐसा क्यों हो गया कि कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है, जबकि सृष्टि का नियम है सूर्य उगा है, सूर्य मध्यम होगा फिर सूर्य अस्त होगा। इसी तरीके से आदमी पैदा हुआ है, आदमी जवान होगा और आदमी समाप्त होगा। तुलसी जग की परती दयही कि फरासो झरायो बरासो बुतई है। ये तुलसी इस जग की रीति है, इसमें जो फरा है जहाँ पे फल लगा है वो गिरेगा। अब हम लोग आनंद की खोज में कहाँ से कहाँ भटकते रहते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जब बच्चे होते हैं, अच्छा माँ बाप पढ़ाई लिखाई कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है संस्कृत में कि माता शत्रु पिता बैरी ए न बालो ना पठिता। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि माँ शत्रु है पिता बैरी है, जिनके बालक पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने से क्या होगा, विद्या आएगी। विद्या ददाति विनयम, अब विद्या से क्या मिलेगा, विनय आएगा, विनम्रता आएगी। अब उसके बाद में पैसा धन दौलत तो सब आता रहेगा, क्योंकि इस जीवन का सार यही है। अब पहले जब हम पढ़ते थे सोचते थे कोई गुण सीखें, विनम्रता सीखें, संस्कार सीखें। अब आजकल की पढ़ाई में क्या है कि आप क्या सीखते हैं, अब बच्चों पे तो बर्डन है ही है, पहले ये बर्डन नहीं होता था, भाई बेटा हमारा बड़ा काम करेगा ऐसा सोचते थे। लेकिन उसके बाद में वो मेरा नाम करेगा, अब क्या सोचते हैं पैदाइशी, अब बड़ा नाम करेगा वो उस टाइम था संस्कारवान होगा, गुणशील होगा। अब आजकल की घटना अगर हम ले लें, हम आजकल अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, बच्चा जितना टेंशन नहीं लेता है, बर्डन नहीं लेता है, माँ बाप उससे ज़्यादा बर्डन लेते हैं। और जबकि उससे शिक्षण व्यवस्था कहने के नाम पर आप आजकल देखेंगे नौकरी हर कोई सरकारी करना चाहता है, चाहे सरकारी अध्यापक हो, चाहे सरकारी अस्पताल में हो, चाहे सरकारी विभाग में हो। लेकिन सेवाएं जहाँ पर लेने की बात होगी वहाँ पर क्या कभी आपने सोचा, ना तो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। क्यों? सरकारी स्कूल में तो दलिया बटने लगा, अब तो कॉपी किताब बटने लगा, अब तो ड्रेस बटने लगा, ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा करने के पीछे एक ही मंतव्य होना चाहिए कि ये दलिया कॉपी किताब ये उसी मेधावी छात्र को देना चाहिए जो उसके एलिजिबल हो, या उसको देना चाहिए कि जो उसके पात्र हो, जिसके पास में समान ना हो। अब होता क्या है, आप लोग शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, अब ज़्यादा तो हम और नहीं जाना चाहेंगे, कहीं भी देखिए, तो इसमें आपको माफ़ी चाहेंगे सुधा के लिए, कॉल आ रही है मुझे, अच्छा मित्रों माफ़ी चाहेंगे बीच में सुधा के लिए। होता क्या है कि इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े स्कूल में शिक्षण व्यवस्था भी करवाते हैं बच्चों का, उसमें निकलता क्या है कि माँ बाप यहाँ होते हैं, बच्चा कहाँ होता है। अब
ज़्यादा ना जा करके। मेरा यही आप लोगों से निवेदन होगा कि बच्चे को हमेशा संस्कार दें, गुणशील बनाएं और प्रभु से प्रार्थना यही करें कि कुछ कम कमाएं लेकिन संस्कारवान हों। ये मेरा खुद का सोच है, आप इसको ले तो बढ़िया है, नहीं ले तो और बढ़िया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप मित्रों इसके बाद में हम आते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी क्या अभिलाषाएँ होती हैं, हम आपको बताएंगे। अब जब बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं बड़े हो जाएं, मेरे पास में ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, सब कुछ हो जाए, सब कुछ भगवान ने दे दिया। जब बड़े हो गए अब ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं तो ज़्यादा बातें ना करके मैं थोड़ा शॉर्ट में कहूँगा, वो भी दे दिया भगवान ने। इस सब को देने के पश्चात में क्या आपको संतुष्टि मिली, क्या आप खुश हो गए? बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, नहीं। लेकिन मेरा एक मानना यही है कि इन सब को आप एक तरफ रख दीजिए और संतुष्टि रूपी धन को एक तरफ रख दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जो भी है। अब आपके पास में लाखों हैं, करोड़ों हैं, अब आप संतुष्ट नहीं हैं, करोड़ों हैं, अरबों की चाह रखेंगे और धीरे धीरे करके जो है चाहत आपकी बढ़ती जाएगी। मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरी कुछ चाह नहीं है, तो संतुष्ट इसमें कौन होगा? अब आप खुद ही बताइएगा। एक बार एक भक्त थे तो उस भक्त की अभिलाषा थी कि भगवान मुझसे दर्शन दे, भगवान मुझे दर्शन दे। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। उसने कहा कि प्रभु मुझे वर दीजिए, उसने कहा कि आप मांग लीजिए जो वरदान मांगना है। उसने कहा कि मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आप मुझे एक बार ऐसा दीजिए कि मन में जो मैं सोचूं वो हो जाए। उसने कहा कि भगवान ने कहा ऐसा मत करिए, उसने कहा नहीं प्रभु मुझे ऐसा ही वर चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो पथिक जो था, जो भक्तजन थे, वो रास्ते में चलते चलते सोचने लगे कि काश यहाँ पर कोई बढ़िया अच्छा सा बगीचा हो जाता। मन में अभिलाषा की, तुरंत वहाँ पे बगीचे हो गए, अच्छे अच्छे से पेड़ लग गए। अब एक पेड़ लगा और वो सोचने लगे कि यहाँ पर इस पेड़ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स लग जाते तो मेरी छतरत हो जाती, उस पर अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स लग गए। अब ये लेट गए और लेट कर सोचने लगे कि काश ये फल मेरे मुँह में अपने आप गिर जाते तो और अच्छा होता। वो फल उनके मुँह में गिर गया। अब जब इतना सब सोच ही रहे थे, उन्होंने कहा जब इतना सोचा मेरा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई जंगली जानवर आ जाए या कोई व्याघ्र आ जाए और मुझे खा ले। उन्होंने जैसे ये सोचा तब तक एक व्याघ्र उधर से आया और उसने उसको खा लिया। अब बताइए मित्रों कि भगवान ने तुमको तो सब कुछ दे दिया था, क्या चाहिए था? उसके बाद में भी परिणाम क्या हुआ? तो इसी तरीके से आप जो भी परमात्मा दे रहा है उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि जो परमात्मा देना चाहता है वही देगा, जो नहीं देना चाहता है नहीं देगा। एक पत्नी थे, वो साथ में रहते थे, उनका एक बच्चा था, उसने बहुत पूजा तपस्या किया और पूजा तपस्या करने के बाद में जब भगवान को खुश कर पाया तो भगवान से कहता है कि भगवान मुझे वरदान चाहिए। भगवान ने कहा कि एक वरदान मांग लो, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। उसने कहा कि रुको मैं अपने घर पर जाता हूँ और अपने घर पर जाने के बाद में एक बार मैं अपने मम्मी पापा से सलाह ले लूँ। घर पर आता है मम्मी पापा से सलाह लेने, और जब मम्मी पापा से सलाह लेने लगता है तो मम्मी पापा में आपस में द्वंद्व छिड़ जाता है। वो कहते हैं मैं वरदान मांगूंगा, वो कहते हैं मैं वरदान मांगूंगा। जब दोनों में द्वंद्व छिड़ जाता है तब क्या होता है कि दोनों आपस में भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान कहते हैं कि आप दोनों लोग ऐसा करो एक एक वरदान मांग लो। जब एक एक वरदान मांगने की बारी आती है तो पहले उस उनकी माता जी का आता है नंबर, वो कहती हैं हे प्रभु मुझे 16 साल की कन्या बना दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। अब ये सुन करके जो उसके पिताश्री थे उनकी जो है देह में आग भूति सी हो जाती है। भगवान ने कहा आप मांगिए, आपको क्या मांगना है? भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु इनको स्वर बना दो, जिसको 16 साल की कन्या बनाए थे उनको कह रहे हैं इनको स्वर बना दो, उनको स्वर बना दिए। अब लड़के का नंबर आया, भगवान कहते हैं तुम भी एक वरदान मांग लो। वो लड़का कहता है हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक वरदान आप दे रहे हैं तो एक वरदान ये चाहिए कि मेरी माता जी जैसे थी वैसे कर दो। तो अगर परमात्मा नहीं चाहेगा तो कुछ भी संभव नहीं है, इसीलिए प्रभु जी के ऊपर निर्भर हो जाइए, अपना कर्म करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए और उसी ईश्वर का स्मरण करते रहिए, क्योंकि जो परमात्मा करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो परमात्मा के ही लोग अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ठीक है, और कण कण में राम है, क्योंकि कहावत एक और मुझे याद आ रही है, बहुत से कहावत कि कहावत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।